ये श्री कृष्ण जन्म का किस्सा जगदीश कैसेट निरेला की तरफ से मास्टर सतवीर सिंह की आवाज में आप लोगों के सामने लाया गया। कहते हैं कि द्वापर का जमाना था, मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य किया करते थे। बड़े धर्मात्मा प्रतापी राजा थे। उनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम कंस रखा गया। जब कंस जवान हो जाता है तो अधर्म नीत हो जाती है। दो तीन और उसके मित्र अधर्म करना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी से ये जुल्म नहीं बर्दाश्त हुआ। इस बाहर को मान के पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके और ब्रह्मा के सामने पेश हो जाती है। हाथ जोड़ के दुआएं करती है कि हे महाराज, मेरे ऊपर बहुत भारी वजन है। तो ब्रह्मा से क्या अरदास करती है, पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से, ओए पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से, तू लाज बचा देने मेरी। वे उग्रसेन का अकंस अधर्मी जिन ऋषियों पे विपत्ता गई, पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से लाज बचा देने मेरी। उग्रसेन का अकंस अधर्मी जिन ऋषियों पे विपत्ता गई, पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से देने मेरी। उग्रसेन का कंस अधर्मी ऋषियों पे विपत्ता गेरी। ओए यज्ञ हवन तप दान रहे ना, अन्यो होगी बलि ने प्रभु, असंध्या तर्पण अग्नि हो तारी कर दिए तेरा दीन प्रभु। वेद शास्त्र उपनिषदों में करते नुक्ता जी ने प्रभु, राम नाम सबका छुटवा दिया कोकरम में लोलीन प्रभु, कोकरम में लोलीन प्रभु। चोरा संद जी चोरा संद शशपाल अधर्मी करते हैं हेरा फेरी। उग्रसेन का कंस अधर्मी ऋषियों पर पता गेरी, पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा से लाज बचा दो मैं मेरी। उग्रसेन का कंस अधर्मी ऋषियों ने पता गेरी। स्नान प्रभु साधु संत महात्मा योगी कहाँ करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाल ढा दिए गला दिए गमसान प्रभु, आहा
फटकार मची दुनिया में जल्दी चलो भगवान प्रभु जल्दी चलो भगवान प्रभु मैं मृत लोक में फिरती भरमती मृत लोक में फिरती भरमती आके शरण ले तेरी उग्र सेन का कंस अधर्मी जिन ऋषियों पे पता गेरी लगी बरबाजे लाज बता दो ने मेरी उग्र सेन का कंस अधर्मी ऋषियों पे पता गेरी समर्थि भूल गया संसार प्रभु भूल गया मर्याद जमाना मच गई आहाकार प्रभु कौन ज्ञान रहा दुनिया में बढ़ गए अत्याचार प्रभु पत्थर बांध के रस्सी डबो दिए जमुना जी की धार प्रभु जमुना जी के धार प्रभु ए भक्त बाज गए जी भक्त बाज गए कोमल में और मथुरा में डूबा देरी उग्र सेन का कंस अधर्मी ऋषियों पे पता गेरी पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा चेला जब बता दो ने मेरी ओए मेरे राम ओए मेरे राम ओए मेरे राम ओए मेरे राम ओए सतयुग में अलना कुछ मारा नरसिंह रूप धरा प्रभु त्रेता में तन रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु द्वापर के मां कंस मार दे ओगा ब्रज हरा प्रभु मंगे राम रटे बचपन से सेवक श्याम तेरा प्रभु सेवक श्याम तेरा प्रभु वे आके रास दिखा देने आके रास दिखा देने जाको पीजन में भरा लेरी उग्र सेन का कंस अधर्मी ऋषियों पर पता गेरी पृथ्वी कहने लगी ब्रह्मा चेला जब बता दो ने मेरी उग्र सेन का कंस अधर्मी ऋषियों पर पता तो पृथ्वी की ये बात बड़े ध्यान से सुनी ब्रह्मा जी ने और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम चलो और मैं इसका इंतजाम करता हूं। पृथ्वी वहां से वापस आ जाती है। ब्रह्मा ने विष्णु जी को बुलाया और विष्णु को हिदायत देता है कि भाई पृथ्वी के ऊपर बहुत भारी भार है और इसको देखो और ऐसे करना है। कैसे भला? एरे काम क्योद मतलोब मारियो ए यादू कुल में जन्म धारियो ओए वसुधारा का बाहर तारियो मथुरा में जाके मथुरा में जाके काम को मतलब मारियो या तो कुल में जन्म धारियो सुधारा का बाहर तारियो
ईश्वर की परम गति नू जाने से ये जति सती ओ नू जाने से ये जति सती एरे पति और पत्नी पुत्र संग में हरदम लड़े धर्म के जंग में कृष्ण रास चक्र हरि के रंग में वेद धुनी गाके वेद धुनी गाके काम क्रोध मद लोभ मारियो की करो मेर आज गराम जमाना फेर आज गराम जमाना फेर अरे देर नहीं उड़े झटपट होंगे देवकी के कृष्ण प्रगट होंगे रास दिखा के लटपट होंगे वो पिचकारी ठाके पिचकारी ठाके काम क्रोध मद लोभ मारियो या तो कुल में जन्म धारियो मथुरा में जाके फिर शिव की पूजा करेंगे हमेश न्यारा रहेगा ब्रज का देश ओ न्यारा रहेगा ब्रज का देश ओ शेषनाग दल रखने चक्कर बल रखने वाला बल भद्र बल रखने वाला दूध दही खाके दूध दही खाके काम क्रोध मद लोभ मारियो या जो कुल में जन्म धारियो मथुरा में जाके गाए सुबह श्याम आज हमारे सिद्धियों जाएंगे हम ओ आज हमारे शुद्ध हो जाएंगे हम हे रमंगे राम गुरु की वाणी देव की मैया दुर्गे भवानी यशोदा मैया रानी वो पड़ जागा माँ के पड़ जागा माँ के काम क्रोध मद लोभ मारियो या तो कुल में जन्म धारियो मथुरा में जाके तो उधर ब्रह्मा जी पृथ्वी में उतारने के लिए कलाओं से बात करते हैं विष्णु जी से बात करते हैं शिवजी महाराज से बात करते हैं उधर उग्रसेन की भाई की लड़की का नाम था देव की वशानी हो जाती है और ब्राह्मण बुला लिए कंस को भी बुला लिया और सलाह में जाते हैं कि भाई देव की शानी होगी और इसकी शादी का कोई इंतजाम करो कैसे वाला उग्रसेन ने देव की खटरी एरे उग्रसेन ने देव की खटरी वही वर टोवन की सोची एर कंस बुला लिया अपनी जर में घर ट्रोवने की सोची उग्रसेन ने देव की खातरे घर ट्रोवने की सोची एर कंस बचा लिया अपनी जर में बैठा लिया अपनी दड़ में पर तो मन की सोची
सुता स्नान कर थी गणेश रो काला हो गया शिव जी बड़ा महल के अंदर बीच बेचारा हो गया रोक दिया महादेव जान के डट के पाला हो गया शिव जी ने दिया आशीष काट उड़न्यू मुकाला हो गया शिव जी ने दिया आशीष काट उड़न्यू मुकाला हो गया फिर पार्वती ने करी लड़ाई पार्वती ने करी लड़ाई सर टोभने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में सर टोभने की सोची सैन ने देव की खातरे सर टोभने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में सर टोभने की सोची ओ छप्पन दिन तक जुआ खेलिया चढ़ चढ़ गई प्रणाई नल राजा फिर गए बना में कैल भी में की जाई धर्मशाला में साड़ी कटी व सूती भी ना ठाई धर्मशाला में साड़ी कटी व सूती भी ना ठाई एरा रचा दोबारा स्वयंवरी रचा दोबारा स्वयंवरी नल फिर चोभने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में पर टोभने की सोची सैन में देव की खातरे पर टोभने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में कभू बने रचा स्वयंवर सीता के ब्राह्मण ने देश देश के राजा जुड़ गए धनुष बाण खावण ने किसे की भी तमा पड़ी ना हाथ तलक लावण ने सब आबीच ते कदम बढ़ा आना चाया रावण ने सब आबीच ते फिर बाल्मीक का देख देख बाल्मीक का देख देख पूरे हर चोभने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में हर चोभने की सोची उग्रसेन में देव की खातरे हर चोभने की सोची कंस बैठा लिया नफा और आन लाभ का हर जवाब कहे तुम मैं कहे लक्ष्मी चंद बेटी का हो हर जवाब कहे तुम मैं कहे लक्ष्मी चंद बेटी का हो हर जवाब कहे तुम मैं ए मांगे राम ने लोक लाज पे मांगे राम ने लोक लाज
जागत मेरे जर को भने की सोची कंस बैठा लिया अपनी दर में मर तो भने की सोची युग सैन में देव की खातरे वर तो भने की सोची कंस बैठा लिया तो सभा भी इसमें ये बात हुई वहां पर कुछ ब्राह्मण थे कुछ और लोग जुड़े हुए थे एक ने मंत्री ने उठ के कहा कि महाराज एक लड़का तो मैं बता सकता हूं और बहुत बढ़िया बात वर्ण भी वही है जात भी आपसे मिलती जुलती है कि ठीक से बताइए तो वो बताता है कौन लड़का है ओए सूर सैन के खानदान में एक वासुदेव लड़का से ओए बेशक शादी करे दो ने ओ बेशक शादी कर दो ने ना ए करती धड़का से सूर सैन के कान कान में वासुदेव लड़का से ओ बेशक शादी कर दो ने ओ बेशक शादी कर दो ने ना ए करती धड़का से बाप के जम्मे बेटी के
सब आराम बतावे बाप के जम्मे बेटी के वे सब आराम बतावे तान मान गन दौलत दे दे स्वर्ग के सदाम बतावे तावल करके काम बतावे तावल करके काम बतावे नतज जन लेकर तड़का से मांगे राम ने कथा सुनाई अरे कर सोला श्रृंगार
पहुंच गए ब्राह्मण माई कर सोरा से मार गोपनी बावन गीत घराई बावन गीत घराई। वो शादी का समय आ जाता है। सुसेन अपने लड़के को ब्याहने के लिए मथुरा में पहुंच जाते हैं। जहां रणवासा था वहां बरात डर जाती है। जो देवकी की सहेलियां थी वे वासुदेव को देखने के लिए आती हैं और उसको देख के मंगल गाती हैं। कैसे भला ए तम देखने चलो ए बने का चेहरा उस चेहरे में क्या जी बांध रहा सेरा चेहरे में क्या जी निशान में की गैल पड़ोसिया
शादी सब संपन्न हो जाती है। उग्रसेन ने कहा कि बेटा कंस, ऐसा ही जमाना है, अपनी बहन का जो डोला कहते हैं उसका गढ़वाला बन के और तू दे जा। तो कंस गढ़वाला बन जाता है और देवकी उसमें बैठ जाती है। रास्ते में चलते चलते आकाशवाणी होती है कि वो कंस किसको ले जाता है, अपनी मौत को सिर पर बिठाए रहा। तो आकाशवाणी होती है, कैसे वाला कंस मूरख तन पता नहीं, तू किसका बन रहा गजवाला, रे इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे तेरे सनकाला। कंस मूरख तन पता नहीं, तू किसका बन रहा गड्डवाला, इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे तेरे सनकाला। कंस मूरख पता नहीं। Put the hand
पृथ्वी पे असुर सिंगार ने जब जब भीड़ बने भगता पे भक्त उबारने ऐसे साधु संत ऋषि मुनियों के साधु संत ऋषि मुनियों के साज समार लिया शंख चक्र गदा पद्म विभू के शंख चक्र गदा पद्म विभू और वे जंती गले में माला इस लड़की के लड़का होगा पता नहीं किस का बड़े राग डवारा इस लड़की कलड़े का होगा ओए बाल कपड़ में खेल खेल के सो खेल खिलावेगा गोपनिया की दही खोस के अपने घरा बुलावेगा खाली देह में कूद पड़े यो नाग के नाथ गलावेगा अदमक बंसी मिर्जा बंसी अदमक बंसी मिर्जा बंसी ये दया दो वंश चलावेगा मार पूतना तने मारेगा मार पूतना तने मारेगा ओए बिल्कुल नहीं करे चारा इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे कर चलकारा कंसमुर के तने पता नहीं तू किसका बड़े राग डवारा इस लड़की के लड़का होगा तेरे कपड़े भी गए नाड़ हिंदे तले गिर जागी सतपुरुषा की नाव भंवर से परले पार उतर जागी मंगे राम मोमता ओए मंगे राम मोमता जिस दिन तेरी मर जागी ओम भूरे भवे मेरे लोग ओम भूरे भवे मेरे लोग और सतपथ का खुल जाता इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे कर सनकारा कंसमुर के पता नहीं किस का बड़े राग डवारा इस लड़की का लड़का होगा जब आकाशवाणी के ये सब सुने तो एकदम दौड़े को रोक देता है और देवकी के केस पकड़ के दौड़े से नीचे गिर के और नाड़ पर गुड्डा धरकर बैठ गया और क्या कहता उस देवकी को कंस केस पकड़ के थोड़े गिर ली बैठ गया गुड्डा धरक वे काटूंगा शरी तेरा देवकी पीजा फूल चलू भरक केस पकड़ के पड़े गिरी बैठ गया गुड्डा धरक काटूंगा तेरा देवकी बाल कपड़ में छोटी सी के सोच
سلاڑ کرا کرتا کھیل مکھانے دا کر مصری کی تھاڈی گول بھرا کرتا بن بھائی کی بان جان کے ساری ہان ڈرا کرتا میں چھوٹی اے بان میری ابلا سر پہ ہاتھ دھرا کرتا سر پہ ہاتھ دھرا کرتا تو جیوے کے میں جیوں تو جیوے کے میں جیوں اے پانجا چھوٹے یہ پمور کے کیس پکڑ کے چلے گیر جی بیٹھ گیا گنڈا ڈر کے کاٹوں گا ترجمة
تو کنس نے دیوکی کو نیچے ڈال لیا اور سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ جوڑتی ہے, ارے بھائی میرے سے کون سا دوست ہو گیا, ارے اتنا بوڑھا ظلم دیکھ چاروں طرف کون کون کھڑے ہیں, تنے کیا ٹھکیں گے کیا کہیں گے. تو وہ دیو کی دعائیں بھی کرتی ہے اور ناٹیہ کو سمجھاتی ہے کیسے والا ارے متنیا مارے کیگ بگڑ جیا نیگ بان کا سارا ارے کنس چھوڑی دے کیس میرے دکھ مارا مت نہ مارے دیگ بگڑ جا دیگ بان کا سارا کنس چھوڑ دے کیس میرے دکھ مارا مت نہ مارے دیگ بگڑ جا دیگ بان کا سارا بارات دیکھ حالات ڈرے سے سارے ٹرک پچا کھولیا تول رام کے مار ارے کھڑے ہزاروں لوگ مان رے سوگ بٹے اتارے بس متھرا کے ماں کاگ لوے جنیا رے کر کر سن بھگوان دکھاوے شان بان جا تھارا سین کا کتم مانتا حکم لڑائی ہو جا ارے گل جاگا کم سان چڑھائی ہو جا ارے بری آپس کی پھوٹ ماچ جا لوٹ لوٹائی ہو جا چل یاد ونس کے تیر صفائی ہو جا یو واس دیو مہاراج ہویا ناراج لاج کا ماریا رے کنس چھوڑ دے کیس میرے دکھ بھارا رے مت نہ مارے دیگ بگڑ جا دیگ بان کا سارا چری چچیری بہن مانتی کان سمجھ کے ناتا ارے اگ پڑی نت شیر تلک بھی نہ کھاتا ارے بڑیے بڑیے سردار دیے تلوار کھڑے بے داتا کئی قلم نے توڑ دان بے ماتا ارے اگر سین کے پنس مٹے تیرا پنس باج دیے بارا ارے پنس چھوڑ دے کے سمر دکھ بارا گرو لگ
जख्मी चलिए देख करम के देख तले ना टाले जिरा पाट्या कोन्या तोल पेट के काए वे करना चाहिए प्यार करो तकरार बढ़िया साले मांगे राम दे खोल धर्म के दाए तन ले जायम के दूत मार के दूत चले ना